आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें, सरकार ने अचानक रोकी नए ड्राइवर कनेक्टरों की ट्रेनिंग, यानी कि कौशल के द्वारा जो भी भर्ती प्रक्रिया जो भर्ती करनी तय हुई थी और रोडवेज के अंदर चालक परिचालक व अन्य वर्कशॉप स्टाफ की को लेकर उसके जो ट्रेनिंग का सिलसिला चला हुआ था, आपने देखा होगा सभी हरियाणा के सभी ज़िलों में भीड़ उमड़ी हुई थी और देखते ही देखते हजारों की संख्या में युवा वहां पे पहुंच गए थे, क्योंकि बेरोजगारों का तांता लगा हुआ है हरियाणा के अंदर। आपको पता होगा कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है, तो आप देख सकते हैं साफ साफ बहुत ज़्यादा संख्या में बेरोजगार युवा इकट्ठा होने की वजह से पोस्टें बहुत कम थी और ट्रेनिंग देना संभव हो गया था। तो इस कारण सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है कि तत्काल प्रभाव से अंबाला के रोडवेज महाप्रबंधक अश्विनी कुमार डोगरा ने परिवहन विभाग से ट्रेनिंग टेस्टेशन की प्रक्रिया रोकने के निर्देश मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि अपरिहार्य कारणों से, यानी कि आपको बता दें आदेश चंडीगढ़ से आदेश जारी किए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से इसको वापस लिया जाता है जब तक नया आदेश नहीं आता, यानी कि अभी रोडवेज की भर्ती रोक दी गई है। और जो साथी अभी कोई किसी को पैसे देने की सोच रहा, कोई कहीं से सिफारिश लगवाने की सोच रहा, कभी भी आपको बता दें बिल्कुल भी आपने पैसे किसी को नहीं देने, किसी के तलवे नहीं चाटने हैं, ये बात आपको बता दें, अपने कॉन्फिडेंस पे आप अपना नौकरी पा सकते हो। तो यही कारण था और कोई ठोस कारण नहीं बताया गया इसके द्वारा। और आपको बता दें नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और ये नोटिस जब हम आपको दिखा रहे हैं, नोटिस भी आप देखते हैं, आदेश महा हरियाणा राज्य परिवहन चंडीगढ़, यानी कि साफ साथ 19 तारीख को नोटिफिकेशन लगा दिया गया है कि जो भर्ती है 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी प्रशासनिक कारणों के चलते तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाता, आगामी आदेश मिलने पर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो प्रिय साथियों आपका इस बारे में क्या कहना है, सरकार की ये पहली भर्ती फेल हुई है तो यानी कि एचकेएनएल पर जो ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और बिल्कुल सरकार पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई भर्तियों को करने में, लेकिन ये हंगामा पहले ही मच गया है। तो आपका इस बारे में क्या राय है और क्या एचकेएनएल सरकार द्वारा बनाया गया जो विभाग है वह सही रहेगा, कॉमेंट में लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।